नमस्कार, मैं आनंद जैन, जीपीसी हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे विषय इलेक्ट्रिकल ड्राइंग एंड डिजाइन में समझते हैं ट्रांसफार्मर की आउटपुट इक्वेशन में ईएमएफ पर टर्न की क्या इम्पोर्टेंस है, और समझेंगे कि पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सर्विस कंडीशन के हिसाब से डिजाइन पैरामीटर कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर की अपरेंट केवीए आउटपुट रेटिंग का रिलेशन यहाँ दिखाया हुआ है, जिसमें ये पर फेज रेटेड आरएमएस वोल्टेज है और ये पर फेज फुल लोड करंट है। पर फेज रेटेड वीए को तीन गुना करके तीनों फेज की सिमेट्रिकल लोडिंग के साथ हमने पावर आउटपुट निकाल ली है। वोल्टेज को हम ईएमएफ पर टर्न और नंबर ऑफ टर्न के प्रोडक्ट के रूप में अगर लिखते हैं, और ईएमएफ पर टर्न को 4.44 FIM हमारी जो बेसिक ईएमएफ इक्वेशन है उससे कन्वर्ट करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारा जो रेटेड आउटपुट है उसमें दो टर्म्स है। एक साइनोसोइडल टाइम वेरिंग फ्लक्स की मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो कोर में एग्जिस्ट करती है, और फुल लोड करंट पे टर्न्स में जो एमएमएफ बनता है, उन दोनों का प्रोडक्ट हमारी रेटेड अपरेंट केवीए डिसाइड करता है। डिजाइन की भाषा में फाइएम को हम मैग्नेटिक लोडिंग कहते हैं, और पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में फाइएम की वैल्यू को स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग कहते हैं। वहीं ये जो करंट और टर्न्स का प्रोडक्ट है, जिसे हम एटी भी कह सकते हैं, A4 एम्पियर T4 टर्न्स, इसे हम इलेक्ट्रिक लोडिंग कहते हैं। हम किसी ट्रांसफार्मर की डिजाइन की रिक्वायर्ड केवीए रेटिंग फाइएम की वैल्यू को ज्यादा और आईटी की वैल्यू को कम लेके बना सकते हैं, या फिर हम उल्टा भी कर सकते हैं, फाइएम को कम ले सकते हैं और टर्न्स को ज्यादा ले सकते हैं। तो एक डिजाइनर के पास दो चॉइस है रेटिंग डिसाइड करने के लिए, मैग्नेटिक लोडिंग और करंट लोडिंग। अगर हम मैग्नेटिक लोडिंग को फ्लक्स की वैल्यू को लगातार बढ़ाते जाएंगे, हमारी कोर में फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगी, या फिर हमें आयरन का क्रॉस सेक्शन एरिया लगातार बढ़ाना होगा, ऐसी स्थिति में हमारे ट्रांसफार्मर में आयरन मटेरियल की कॉस्ट, आयरन में होने वाले लॉसेज बढ़ेंगे, और अल्टीमेटली अगर हम फाइएम को लगातार बढ़ाते जाते हैं तो हमारी डिजाइन में इकोनॉमी घटेगी, कॉस्ट लागतें बढ़ेगी, और ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन में एफिशिएंसी भी डाउन होगी, क्योंकि बढ़े हुए फाइएम से आयरन लॉसेज बढ़ेंगे। इसी तरह से अगर कोई डिजाइनर सिर्फ आईटी को बढ़ाकर ट्रांसफार्मर की रेटिंग बनाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा वाउंड करने पड़ेंगे, या कंडक्टर्स में करंट डेंसिटी बढ़ानी होगी, या कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कंडक्टर में कॉस्ट और लॉसेज बढ़ेंगे, और इससे भी हमारे ट्रांसफार्मर डिजाइन की इकोनॉमी घटेगी, लागतें बढ़ेगी, और ऑपरेशन के दौरान कॉपर लॉस ज्यादा होने से एफिशिएंसी भी डिजाइन में घटेगी। तो ये स्पष्ट हो रहा है कि इन दोनों में से किसी एक, फाइएम या आईटी में से किसी एक को अनरीजनेबली हाई करने से हमारी डिजाइन के एंड रिजल्ट्स खराब होते हैं। तो हमें बेस्ट ऑप्टिमम इकोनॉमिक डिजाइन करने के लिए जरूरी है कि हम मैग्नेटिक लोडिंग और इलेक्ट्रिक लोडिंग के रेशो को किसी सर्टन प्रपोर्शन में सेलेक्ट करें। एक पर्टिकुलर टाइप, जैसे कोर टाइप या शेल टाइप, या सर्विस कंडीशन जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या पावर ट्रांसफार्मर, या मटेरियल, कोर के लिए हमने अमोर्फस स्टील लिया है या कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील लिया है, या पुराने जमाने में हॉट रोल्ड स्टील इस्तेमाल करते थे, और कंडक्टर के लिए हम एल्यूमिनियम की वाइंडिंग यूज कर रहे हैं या कॉपर की वाइंडिंग यूज कर रहे हैं, मटीरियल कंटेंट क्या है, इसके हिसाब से हम फाइएम और आईटी का रेशो रखते हैं। और अगर एक ही टाइप के सर्विस कंडीशन और मटेरियल कंटेंट के ट्रांसफार्मर हैं, तो वो चाहे छोटी पावर रेटिंग के हों 25 केवीए मात्र, या फिर एक बहुत बड़ी पावर रेटिंग के हों जैसे 2.5 MVA, तो दोनों में हम फाइएम और आईटी का रेशो सेम रखते हैं। जरा ये बात समझ लेते हैं। माना किसी टाइप, सर्विस कंडीशन और मटेरियल कंटेंट के हिसाब से हमने ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फ्लक्स और फुल लोड एमएमएफ इलेक्ट्रिक लोडिंग के रेशो को एक कांस्टेंट आर बना दिया है। आर को हम फाइएम अपॉन करंट टर्न्स कह सकते हैं, करंट टर्न्स को हम एम्पियर टर्न्स भी कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पर फेज केवीए आउटपुट है ट्रांसफार्मर का, पर फेज केवीए रेटिंग, अगर थ्री फेज के ट्रांसफार्मर 100 केवीए है, तो इस क्यू की वैल्यू हम 100/3 लेंगे। ऐसी स्थिति में पर फेज केवीए आउटपुट पर फेज रेटेड आरएमएस वोल्टेज और फुल लोड करंट के प्रोडक्ट के साथ ये 10^-3 का फिगर वीए को केवीए बनाने के कन्वर्जन में काम आ गया। रेटेड वोल्टेज को हम ईएमएफ पर टर्न और नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोडक्ट के तौर पे लिखें, तो फुल लोड करंट के साथ ये टर्न्स का प्रोडक्ट फुल लोड एमएमएफ आ गया है, और हम समझ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो पर फेज रेटेड केवीए है, उसमें कोर में वर्किंग फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू और फुल लोड जो कंडक्टर में करंट फ्लो से टर्न्स में एमएमएफ बनता है, उसके प्रोडक्ट से केवीए आउटपुट बन रहा है। हम आईटी को इस रिलेशन से आर की टर्म्स में फाइएम अपॉन अगर आर लिख देते हैं, तो यहाँ जो फाइएम का स्क्वायर है, कोर में साइनोसोइडल टाइम वेरिंग फ्लक्स की पीक इंस्टेंटेनियस वैल्यू का जो स्क्वायर है, वो पर फेज केवीए आउटपुट
और हमारा जो कांस्टेंट हमने मैग्नेटिक लोडिंग और इलेक्ट्रिक लोडिंग के रेशो के तौर पे लिया है उस कांस्टेंट आर के साथ, ये रिलेशन रखता है जहां एफ सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है। और ये 4.44 फिगर ईएमएफ पर टन के एक्सप्रेशंस को यहां जब हमने ईएमएफ पर टन की जगह 4.44 एफआईएम रखा है तब आ गया है। तो कन्वर्जन करने से ये जो स्वरूप आया है इससे हमने फाईएम की वैल्यू निकाल ली है। और तो हमने जाना कि एक ट्रांसफॉर्मर डिजाइन में कोर के फ्लक्स और वाइंडिंग में फुल लोड पर एमएमएफ का रेशो आर कांस्टेंट रहता है तो कोर में बनने वाला जो फ्लक्स है उसकी पीक वैल्यू पर फेज केवीए रेटिंग के रूट के साथ एक रिलेशनशिप रख रही है। हम ईएमएफ पर टन का रिलेशन जानते हैं 4.44 एफआईएम है। यहां फाईएम की वैल्यू अगर अपन कांस्टेंट आर की टर्म्स में पर फेज रेटेड केवीए के साथ स्क्वायर रूट में ये जो रिलेशन यहां आया है उससे सब्स्टिट्यूट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं कि ईएमएफ पर टन का रिलेशन पर फेज रेटेड केवीए के स्क्वायर रूट के साथ एक और रिलेशन रखता है जिस रिलेशन में आर मैग्नेटिक लोडिंग और इलेक्ट्रिक लोडिंग का रेशो है और इस रेशो के स्क्वायर रूट के साथ 4.44 एफ और 10^3 आने पे एक कांस्टेंट के बनता है जो ट्रांसफार्मर की टाइप सर्विस कंडीशन और मटेरियल कंटेंट के हिसाब से डिसाइड होगा। और ईएमएफ पर टन हमारी रेटेड केवीए के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल एक रिलेशन आ गया है। ये हमारी डिजाइन का सबसे फंडामेंटल रिलेशन है और सारी डिजाइन कैलकुलेशन हम लोग जब अगली वीडियो में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो जानेंगे कि सारी डिजाइन कैलकुलेशन इसी ईटी से शुरू होती है। हमने कोर की डिजाइन किसी दूसरी वीडियो में पढ़ी है उसमें भी हमने डिजाइन की स्टार्ट इसी फंडामेंटल रिलेशन से की है और ये फंडामेंटल रिलेशन का डेरिवेशन भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो डेरिवेशन बड़ा आसान है, हम एक लॉजिक देके कह सकते हैं कि एक टाइप सर्विस कंडीशन और मटेरियल कंटेंट और मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक के हिसाब से ट्रांसफॉर्मर डिजाइन में मैग्नेटिक लोडिंग और इलेक्ट्रिक लोडिंग के रेशो को आर एक कांस्टेंट बना देते हैं और आर की टर्म्स में हमने कोर में वर्किंग फ्लक्स की अगर वैल्यू निकाली और फिर ईएमएफ पर टर्न में यही फ्लक्स का रिलेशनशिप रखा तो हमारे पास ईएमएफ पर टर्न का ये के रूट क्यू एक रिलेशनशिप आ गया है। जरा समझते हैं कि इस कांस्टेंट के और ट्रांसफॉर्मर की रेटेड केवीए से ईएमएफ पर टर्न पर क्या असर होंगे। हमने ट्रांसफॉर्मर में मैग्नेटिक लोडिंग और इलेक्ट्रिक लोडिंग के रेशो को ट्रांसफॉर्मर की टाइप सर्विस कंडीशन और मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से एक कांस्टेंट आर के रूप में अगर डिफाइन कर दिया है। ईएमएफ पर टन का रिलेशन इस कांस्टेंट आर के स्क्वायर रूट के साथ इन पैरामीटर के साथ इंटरकनेक्शन से एक कांस्टेंट के हो गया है और यहां पर फेज केवीए रेटिंग का स्क्वायर रूट आ रहा है और ईएमएफ पर टन का ये जो रिलेशन है इसमें साफ दिख रहा है कि अगर हम ट्रांसफॉर्मर की पावर रेटिंग बदलते हैं, एक ट्रांसफॉर्मर 25 केवीए का है और मान लेते हैं कि थ्री फेज कोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है तो उसमें के की वैल्यू जो थंब प्रैक्टिस है उससे अगर लें और मान लेते हैं कि ईएमएफ पर टन 1.5 वोल्ट पर टन है 25 केवीए के ट्रांसफॉर्मर के लिए, तो अगर इसी ट्रांसफॉर्मर की थ्री फेज कोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की टाइप और सर्विस कंडीशन सेम रखते हैं, सेम मटेरियल से कोर और वाइंडिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक सेम है और केवीए रेटिंग 25 की बजाय 100 केवीए कर दिया चार गुनी, तो केवीए रेटिंग चार गुना करने से चार का स्क्वायर रूट दो गुना हो गया है। हमारा ईएमएफ पर टन जो पहले 25 केवीए पे 1.5 वोल्ट पर टन था वो 100 केवीए के लिए 3 वोल्ट पर टन हो जाएगा, अर्थात हमने ईएमएफ पर टन को दो गुना कर दिया है। इससे कोर में फ्लक्स भी दो गुना हो जाएगा और एम्पियर टर्न्स भी दो गुने हो जाएंगे और हमारी पावर रेटिंग चार गुना हो जाएगी। अर्थात ज्यादा रेटिंग्स के जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनमें हम ईएमएफ पर टन ज्यादा लेते हैं, उनकी कोर में वर्किंग फ्लक्स का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होता है और छोटे ट्रांसफॉर्मर में ईएमएफ पर टन कम होता है। यहां ईएमएफ पर टन का रेटेड केवीए पर फेज से जो रिलेशन आया है उसमें ये जो कांस्टेंट के है उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी ट्रांसफॉर्मर की टाइप पे, वो कोर टाइप है या शेल टाइप है, उसकी सर्विस कंडीशंस पे कि वो पावर ट्रांसफॉर्मर की जैसे इस्तेमाल हो रहा है या एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है। इस कांस्टेंट के की वैल्यू हमारी डिजाइन रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करेगी। हम डिजाइन में लोवेस्ट कॉस्ट चाहते हैं, लोवेस्ट लॉसेज चाहते हैं या स्मॉलेस्ट साइज चाहते हैं या वेट रिडक्शन चाहते हैं, हमारी जो डिजाइन की रिक्वायरमेंट क्या है वो भी हमारे के पैरामीटर को डिसाइड करेगी और के हिसाब से आर आएगा और आर के हिसाब से हमारी मैग्नेटिक लोडिंग या इलेक्ट्रिक लोडिंग का रेशो डिसाइड होगा। ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि हम कोर में और कंडक्टर में मटेरियल्स क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये अमोर्फस स्टील है या कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील है या हॉट रोल्ड स्टील इस्तेमाल हो रहा है, या ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि हमने वाइंडिंग एल्यूमिनियम की ली है या कॉपर की ली है। हमारे
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे भी डिपेंड करेगा, लेबर कॉस्ट और प्रोसेस की डिटेलिंग पर डिपेंड करेगा। अगर कोर असेंबलिंग करना आसान है तो हम 5 ज्यादा ले सकते हैं, अगर वाइंडिंग असेंबल करना आसान है तो हम 80 ज्यादा ले सकते हैं। जो टिपिकल वैल्यू इस डिजाइन फैक्टर के की हम लेते हैं वो 3-phase कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर के लिए, अगर वो पावर ट्रांसफॉर्मर है तो 0.6 से 0.65 के बीच में होती है, और अगर यही ट्रांसफॉर्मर पावर ट्रांसफॉर्मर की बजाय डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है तो ये वैल्यू कम ली जाएगी। अर्थात एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में ये फैक्टर आर कम है, उसकी मैग्नेटिक लोडिंग कम है कंपेयर टू इलेक्ट्रिक लोडिंग। फुल लोड MMF डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में ज्यादा है और कोर में फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटीज कम है। एक कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर की बजाय अगर शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर हो तो हम देखते हैं कि हमारा K कांस्टेंट बढ़ जाता है। अर्थात एक शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में मैग्नेटिक लोडिंग ज्यादा है और इलेक्ट्रिक लोडिंग कम ली गई है। यही बात सिंगल फेज शेल टाइप के लिए भी है जिसमें K की वैल्यू ज्यादा है, और सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर के लिए K की वैल्यू शेल टाइप से कम है। लेकिन अगर आप 3-phase के कंपेरिजन में सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसके डिजाइन में कोर मटेरियल ज्यादा है या फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा है। इन सारी चीजों को एक बार और डिटेल से समझ लेते हैं। एक ट्रांसफॉर्मर डिजाइन की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो सकती हैं। डिजाइन में ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन टोटल वॉल्यूम को मिनिमम कर सकता है, वो वेट घटाने की तरफ ध्यान दे सकता है, या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम रख सकता है, या फिर वर्किंग के दौरान जो टोटल लॉसेज हैं उन्हें मिनिमाइज करने के लिए डिजाइन हो सकती है, और एक सबसे बेहतरीन डिजाइन ओवरऑल लाइफ टाइम कॉस्ट को मिनिमम करने के लिए हो सकती है। तो हमारी डिजाइन की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, और इन डिजाइन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ट्रांसफॉर्मर में मैग्नेटिक लोडिंग और इलेक्ट्रिक लोडिंग का रेशियो R सेलेक्ट करते हैं, और R से हमारा कांस्टेंट K बनता है, और K से हमारी EMF पर टर्न की सिलेक्शन होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो EMF पर टर्न है, एक टर्न की वोल्टेज है, वो हमारे सिलेक्शन के हिसाब से हमारी कोर में मैग्नेटिक लोडिंग और इलेक्ट्रिक लोडिंग के रेशियो के सिलेक्शन से K पे डिपेंड करती है। और ये जो रेशियो है मैग्नेटिक लोडिंग और इलेक्ट्रिक लोडिंग का, ये हमारी ट्रांसफॉर्मर के डिजाइन में एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रखता है। अगर हम इस रेशियो R की वैल्यू हाई रखते हैं तो इसका मतलब है कि हम ट्रांसफॉर्मर की कोर में फ्लक्स ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में या तो हम हायर वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग पे काम कर रहे हैं, या ट्रांसफॉर्मर की कोर का सेक्शन बड़ा ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा जो वॉल्यूम वेट और कॉस्ट है आयरन का वो बढ़ेगा, और एग्रीगेट में टोटल आयरन लॉसेज भी बढ़ेंगे। आर के वैल्यू को बढ़ाते समय हम 5M बढ़ा रहे हैं तो हमारी आयरन पे लॉसेज और मटेरियल कंटेंट बढ़ रहा है। उसी स्थिति में आर की डिजाइन वैल्यू ज्यादा लेने का मतलब न केवल मैग्नेटिक लोडिंग अधिक लेना है बल्कि इसका यह भी अर्थ है कि हम इलेक्ट्रिक लोडिंग कम ले रहे हैं, और जब हम एम्पियर टर्न कम ले रहे हैं तो हम कॉपर वाइंडिंग का वॉल्यूम वेट और कॉस्ट कम इनकर कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में हमारे कॉपर लॉस भी घटेंगे। तो हम समझ सकते हैं कि जो आर का मान का निर्धारण है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर है जो हमारी ट्रांसफॉर्मर की डिजाइन को प्रभावित कर रहा है। आर से के कांस्टेंट बदलता है और के कांस्टेंट से ईएमएफ पर टर्न बदलता है, तो निश्चित रूप से ईएमएफ पर टर्न ट्रांसफॉर्मर के डिजाइन में एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है। किसी ट्रांसफॉर्मर की पर फेज केवीए रेटिंग के अकॉर्डिंग ईएमएफ पर टर्न की वैल्यू कांस्टेंट के पे डिपेंड करती है, और इस कांस्टेंट के की वैल्यू एक दूसरे कांस्टेंट आर पे डिपेंड करती है, और आर ट्रांसफॉर्मर की कोर में मैग्नेटिक लोडिंग और वाइंडिंग में टर्न्स में करंट फ्लो से बनने वाला फुल लोड MMF इलेक्ट्रिक लोडिंग का रेशियो है, और ये रेशियो या हमारा कांस्टेंट के या ईएमएफ पर टर्न डिसाइड करता है कि हम ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन में कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया या कोर का साइज वॉल्यूम वेट कितना लेंगे या हमारी विंडो में कॉपर एरिया कितना आएगा। एक शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर ज्यादा आयरन मटेरियल की रिक्वायरमेंट रखता है कॉपर मटेरियल की कंपैरिजन में इन कंपैरिजन टू कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। तो जो कांस्टेंट के की वैल्यू है वो शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में हम हाई लेते हैं तो मैग्नेटिक लोडिंग शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में ज्यादा होती है और इलेक्ट्रिक लोडिंग कम होती है। सेम पर फेज केवीए रेटिंग पे अगर हम सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर को 3-phase कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर से कंपेयर करें तो सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में ज्यादा आयरन मटेरियल कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, उसकी मैग्नेटिक लोडिंग ज्यादा होती है, और ये आर कांस्टेंट या कोफिशिएंट के सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर के लिए 0.8 से 0.9 के बीच में हो सकता है, जबकि यही 3-phase डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के लिए 0.45 से 0.5 के बीच में है, और पावर ट्रांसफॉर्मर के लिए 0.6 के आसपास है। एक पावर ट्रांसफॉर्मर की कंपैरिजन में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में हम मैग्नेटिक लोडिंग कम रखते हैं और इस
कांस्टेंट, आर की वैल्यू कम रहने से के की वैल्यू कम रहती है। अर्थात हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो एक पावर ट्रांसफार्मर की कंपैरिजन में कम वर्किंग फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी पे काम करता है, और ये जो कोफिशिएंट के है इसकी वैल्यू 0.45 जो कि पावर ट्रांसफार्मर 0.6 की कंपैरिजन में कम है। जरा समझते हैं कि एक पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सर्विस कंडीशंस में डिफरेंस क्या है और डिजाइन इसे किस तरह से इनकॉर्पोरेट करती है। पावर सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सामान्यतः छोटी पावर रेटिंग के होते हैं और इनकी पावर रेटिंग 10 केवीए से लेके ऊपर में सबसे ज़्यादा 2.5 एमवीए तक हो सकती है। पावर सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारी इलेक्ट्रिक पावर को फाइनल रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल या इंस्टीट्यूशनल इंडस्ट्रियल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आते हैं, और एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पूरे 24 घंटे तक एनर्जाइज रहते हुए कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से पूरे दिन में जो लोड का वाइड वेरिएशन होता है उस पे काम करता है। एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की डिजाइन हाई ऑल डे एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए जब की जाती है तो इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो लगभग हाफ ऑफ फुल लोड पे, फुल लोड से आधे करंट कंडीशंस पे ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है। हमें जानकारी है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के समय फिक्स्ड कोर में जो आयरन लॉसेज होते हैं और जो वेरिएबल वाइंडिंग में कॉपर लॉसेज होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, तो हाफ लोड पे कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर रखे जाते हैं और ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हाफ लोड के आसपास मैक्सिमम आने से हमारा ट्रांसफार्मर अपने ज्यादातर ऑपरेटिंग टाइम पर मैक्सिमम एफिशिएंसीज के ऊपर काम करते हुए ऑल डे एफिशिएंसी को अच्छा रखता है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डिजाइन करते समय कोर में स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग या फ्लक्स डेंसिटीज की वैल्यूज कम रखी जाती है ताकि फिक्स्ड आयरन लॉसेज जो कोर में हो रहे हैं उनकी वैल्यू कम रहे। अगर हम ट्रांसफार्मर की डिजाइन में कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं और नेचुरल एयर सर्कुलेशन और नेचुरल ऑयल मूवमेंट से ट्रांसफार्मर की ओएनईएन कूलिंग है, तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी जो बड़े साइज के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हो सकती है वो 1.3 टेस्ला हो सकती है, और छोटे साइज के ट्रांसफार्मर में ये जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू है वो 1.1 टेस्ला और 1.2 टेस्ला रखी जाती है। जनरली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पोल पे माउंटेड या अनअटेंडेड आइसोलेटेड पोजीशंस पर होते हैं और इन पे टेप चेंजर्स नहीं लगे होते जो हम किसी दूसरे ट्रांसफार्मर में वोल्टेज टर्न्स रेशो के हिसाब से रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे टेप चेंजर्स डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे नहीं लगाए हुए होते। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फाइनल कंज्यूमर के साथ लोड की विसिनिटी में लोकेटेड होता है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन डिजाइन का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को लो इनहेरेंट वोल्टेज रेगुलेशन के लिए डिजाइन करते समय इनका लीकेज रिएक्टेंस कम रखते हैं, तो कोर में जो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग है या फ्लक्स डेंसिटी है उनकी वैल्यूज को कम रखा जाता है और हमारी जो मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटाइजिंग फोर्स की जो मैग्नेटाइजिंग करेक्टरिस्टिक है, यहाँ मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हमने लॉगरिथमिक स्केल पे रखा है, तो थोड़ा सा कर्व का कर्वेचर जैसा हम लीनियर कर्व पढ़ते हैं उससे डिफरेंट है, लेकिन आप अगर इस रेंज में देखें लीनियर रेंज में जहां पहली बार ये लीनियर रेंज खत्म होती है उस पॉइंट को हम नी पॉइंट कहते हैं, और आमतौर पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल लीनियर पोर्शन की अपर रेंज पे नी पॉइंट के पास किया जाता है। ऐसे छोटे साइज के ट्रांसफार्मर में ओएनएएन ऑयल और एयर दोनों का नेचुरल सर्कुलेशन होता है, उससे कूलिंग होती है और हमारा टेम्परेचर राइज कंट्रोल रहता है। आमतौर पे ऐसे ट्रांसफार्मर के टैंक है वो या तो परफोरेटेड होते हैं या प्लेन टैंक पे कूलिंग ट्यूब्स और रेडिएटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर आमतौर पे बड़ी पावर रेटिंग्स पे होते हैं और वो 2 एमवीए से लेके ऊपर में 1000 एमवीए तक के हो सकते हैं। इनकी ऑपरेटिंग वोल्टेज एचवी साइड में वोल्टेज रेटिंग 33 केवी से लेके भारत में 765 केवी तक हो सकती है, जबकि अमेरिका और रशिया में हम 1500 केवी के भी ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे पावर ट्रांसफार्मर या तो जनरेटिंग पावर स्टेशंस पर या हमारी जो प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम है उनके सब स्टेशन पे इस्तेमाल होते हैं। आमतौर पे एक सब स्टेशन पे जब पावर ट्रांसफार्मर इंस्टॉल होते हैं तो वो एक से ज्यादा आपस में पैरेलल कनेक्ट होकर वर्क करते हैं। हम पावर ट्रांसफार्मर पे लोड लगभग फुल लोड के पास रखते हैं पूरे ऑपरेशन पीरियड के दौरान। अगर सिस्टम में लोड कम हो जाता है तो हम पैरेलल कनेक्टेड किसी एक ट्रांसफार्मर को सप्लाई से आइसोलेट करके बाकी सब ट्रांसफार्मर का लोड भी नियरली फुल लोड रख लेते हैं। इसलिए ऐसे ट्रांसफार्मर की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो फुल लोड के आसपास डिजाइन की जाती है, अर्थात इनके फुल लोड पे कॉपर लॉस इनके आयरन लॉस के बराबर होते हैं, तो डिजाइन करते हुए हम कॉपर
लॉस को रिडक्शन करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में हम आयरन लॉसेस को घटाने के लिए स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को कम रखने के लिए रेशो आर को कम रखते हैं, जबकि पावर ट्रांसफॉर्मर में हमारा रेशो आर और कॉन्स्टेंट के की वैल्यू हाई होती है। एक पावर ट्रांसफॉर्मर को भी हम अपनी मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक के लीनियर पोर्शन पे नी पॉइंट के पास यूज करते हैं, लेकिन इनका ऑपरेटिंग पॉइंट अक्सर नी पॉइंट से थोड़ा ऊपर होता है। सभी पावर ट्रांसफॉर्मर पे टेप चेंजर्स लगे होते हैं जो ऑफलोड या ऑनलोड कंडीशंस पे ट्रांसफॉर्मर की हाई वोल्टेज साइड की टेपिंग्स को चेंज करके वोल्टेज रेगुलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें इनहेरेंट लीकेज रिएक्टेंस को कम करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम पावर ट्रांसफॉर्मर को डेलिबरेटली थोड़ा हाई वैल्यू की लीकेज फ्लक्स या लीकेज रिएक्टेंस के साथ डिजाइन करते हैं, ताकि शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट कंडीशंस पे जब हमारा करंट बढ़ रहा है तो करंट से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस लगते हैं उनसे वाइंडिंग पे मैकेनिकल फोर्सेस से डैमेज कम हो। अगर ट्रांसफॉर्मर का इंटरनल लीकेज रिएक्टेंस ज्यादा होगा तो वो करंट लिमिटिंग का काम करेगा, और वोल्टेज रेगुलेशन की प्रॉब्लम हमें इनहेरेंटली लीकेज रिएक्टेंस कम करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के साथ हमने एचवी वाइंडिंग पे टेपिंग चेंज करने के लिए ऑन लोड टेप चेंजर्स या ऑफ लोड टेप चेंजर्स लगाए हुए होते हैं। पावर ट्रांसफॉर्मर की पावर रेटिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं और अच्छी डिजाइन के लिए इनमें स्पेसिफिक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक लोडिंग भी ज्यादा लेते हैं। ऐसी स्थिति में टेम्परेचर राइज को कंट्रोल करने के लिए हमें कूलिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी। ऐसे ट्रांसफॉर्मर में हम फोर्स एयर का सर्कुलेशन करते हैं, और अगर ट्रांसफॉर्मर की पावर रेटिंग 500 एमवीए से बड़ी हो रही है तो हमें एक्सटर्नल वाटर कूलिंग के लिए भी अरेंजमेंट्स करने होते हैं। आज की ये वीडियो ट्रांसफॉर्मर डिजाइन में ईएमएफ पर टन की सिग्निफिकेंस समझा पा रही है, और आप पावर ट्रांसफॉर्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की सर्विस कंडीशंस में डिफरेंसेस को भी समझ गए हैं। हमारी सभी दूसरी वीडियो देखकर आपकी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली इंप्रूव हो रही होगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें, हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग, और हमारी सारी वीडियो देखने और प्रमोट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।